कर रहे हैं। आपको पहली बात शर्म नहीं आई? अक्साई चीन तो आपने बेच दिया चाइना पे, अब ऊपर से औरतें भी बेचते हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप हमें कह रहे हैं डरते हो डरते हो, फिर आप क्यों? अच्छा आप भी डरते होंगे इसलिए जो तुर्किस्तान इस तुर्किस्तान में हो रहा है वहां मुसलमानों के बारे में कुछ बोलते नहीं आप, जो चाइना मुसलमानों के साथ करते आप डरते होंगे इसलिए आप नहीं बोलते। हम तो नहीं डरते, हम बोलते हैं, हम तो उनका सपोर्ट करते हैं उइगुर्स का। अगर हम डर रहे होते तो हम सपोर्ट क्यों करते बताइए? अगर हम चाइना से आप मुझे कह रहे हैं कि श्रीलंकन मोदी को पसंद नहीं करते, नेपाली मोदी को पसंद नहीं। आपके मुल्क में तो ऐसा है कि आपके मुल्क के अपने लोग किसी भी प्राइम मिनिस्टर को पसंद नहीं करते, किसी को शूट किया जाता है, कोई हैंग हो जाता है, कोई भाग के चला जाता है। ये हालत है आपके यहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स की। आप अपने मुल्क की तरफ क्यों नहीं ध्यान देते? मैं इतना ही पूछना चाहती हूँ कि इतना इंडिया 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 इंडिया, इवन बाहर जाके जब आपको मौका मिलता है कि लोगों के सामने अपने प्रॉब्लम्स रखें, अपने लोगों की अपनी आवाम जो इन्फ्लेशन से गुजर रही है उसके बारे में कुछ बोले, हेल्प ले, आप नहीं, बजाय इसके इंडिया 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 ये इंडिया वो इंडिया ये क्या है? मतलब ये किस तरह का ऑब्सेशन है? अब आप मेरे जवाब दीजिए। इंडिया का वजीर आजम बना हुआ है, मुबारक हो आपको, जो पता जिसने PhD भी की होगी, मोदी साहब ने PhD भी की होगी। 1 अरब 35 करोड़ का नुमाइंदा मोदी जो मैट्रिक पास भी नहीं है, मुबारक हो आपको ऐसा वजीर आजम। ऐसा कोई मैट्रिक पास चाहिए भी नहीं जो देश को लूटता है जैसे आपकी आर्मी वाले जनरल करते हैं, हमें ऐसे नहीं चाहिए। हमें हम वी डोंट माइंड अनएजुकेटेड, बट जो देश की जनता के बारे में केयर करता है और जो देश को आगे लेके जाता है और जो चोर नहीं है, वी डोंट माइंड। ना करे कभी पाकिस्तान की हाल इंडिया जैसा हो, अल्लाह ना करे कोई ऐसा दिन आए कि जब पाकिस्तान के हालात इंडिया जैसे हो जाए, जहां पे कोरोना वायरस से आप देख लें, आप पाकिस्तान को देख लें कोविड के हवाले से, आप इंडिया को देख लें। आपको पाकिस्तान में 5 बजे के बाद किसी को कोविड नहीं होता है। इंडिया के बारे में पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे यहाँ ऑलमोस्ट कोविड का वैक्सीन भी रेडी हो गया है, और सिर्फ कश्मीर की बात करें तो 40% लोगों ने इम्यूनिटी भी हासिल कर ली यहाँ पे कोविड से। तो और यहाँ का हमारा जो टेस्टिंग फैसिलिटीज है, जो क्वारंटाइन फैसिलिटीज है, इट इज स्टेट ऑफ द आर्ट में हो रहा है। जो कुछ नागालैंड में हो रहा है, जो कुछ बेचारे हमारे इंडिया के बारे में देखिए, एहतशाम मैं कह रही हूँ, ये अंदर से इंडियन है, ये पाकिस्तानी है ही नहीं। अगर ये पाकिस्तानी होते इनको अपनी कंट्री का वो होता ना दर्द, वो सोचते बेचारे कितने हिंदू मर रहे हैं सिंध में, बेचारे कितने पश्तून एक्टिविस्ट मर रहे हैं, बट उनको वो पड़ी नहीं। बलूचिस्तान आजादी के लिए लड़ रहे हैं, बट इनको उनको फिक्र ही नहीं, रहम ही नहीं अपने लोगों पे। देखो इंडिया पे कितना वो अपना वक्त जाया कर, कितना बेचारे आपको पाकिस्तान दुनिया का एक लोग है जहाँ पे पोलियो अब तक एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में कभी सोचा? 50,000 से ज्यादा बच्चे हर साल मरते हैं पानी की प्रॉब्लम से, वो लास्ट ईयर का था। अब पिछले 1 साल में मैंने और उससे ज्यादा हुए होंगे, मैंने नहीं स्टडी किया क्योंकि मैं ज्यादा ध्यान अपनी कंट्री की तरफ देती हूँ, आपकी तरह नहीं कि आप अपने पड़ोसी मुल्क को ज्यादा ध्यान देते हैं। मैं अपनी कंट्री पे ज्यादा ध्यान देती हूँ, तो मुझे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पता, अपने मुल्क के बारे में नहीं पता कि कितने बच्चे हर साल मरते हैं पोलियो से, कितने बच्चे हर साल अंडर नरिशमेंट से मरते हैं। प्लीज जाके देखिए, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि यार मैंने अपने मुल्क पे ध्यान क्यों नहीं दिया। मर जाते हैं, मुझे ये भी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में लगा हुआ था जब यहाँ मुझे जरूरत, मेरे मुल्क को मेरी जरूरत थी। मारे जाते हैं, मुझे वो भी पता है कि सिर्फ जय श्री राम ना कहने की वजह से कितने कश्मीर में लोग मार रहे हैं, मुझे ये भी पता है कितने फेक एनकाउंटर्स और कितने सिंधी हिंदू होने की वजह से कितने लोगों के घर जलते हैं। लड़काना में कितने लोगों के घर जले बताइए? लड़काना कहाँ इंडिया में है? कश्मीर के हवाले से अगर बात करें तो हो सकते याद है जो शियाओं के खिलाफ हुई थी, आप कैसे बोलते हो? जैसे राजनाथ सिंह ने आपको आके बताया कि यार फैसल मैं तो डर गया चाइना से, आप तो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो जैसे राजनाथ सिंह ने आपको बताया। लेकिन जो वीडियोस निकलते हैं, जो आप ही के यहाँ से राहत ऑस्टिन जैसे जो एक्टिविस्ट वीडियोस निकाल के प्रूफ दिखा रहे हैं दुनिया को, आप उसको नहीं मानते। ऐसे यहाँ कुछ नहीं हो रहा, उइगुर में मुसलमानों के साथ कुछ नहीं हो रहा, जो यार प्रूफ है इंटरनेट पे है, लोगों के पास है, वो आपको नहीं मानना। लेकिन सुनी सुनाई बात है, मेरे कुछ दोस्त है पता नहीं कौन है कश्मीर में जो वहां पे रह के बोल रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान की बाट लगी पड़ी है, ऐसे में जो CPEC का सिरदर्द पाल लिया है पाकिस्तान ने, उसके लिए उसके पास कोई दवाई नहीं है, क्योंकि इस राह में चलने पर लगेंगे अरबों रुपए, और वित्तीय संकट से घिरा पाकिस्तान खुद को बेचकर भी इतने पैसे नहीं ला सकता। ऐसे में एक ही सदाबहार समाधान है उसके पास, झाड़ पांच के निकालो कटोरा भीख का और फैला दो चीन के आगे। वित्तीय संकट में बदहाल पाकिस्तान के पास विकल्पहीनता की स्थिति है, पैसा लगाना है और पैसा लगाने के लिए पैसा लाना है। पैसा कहाँ से आएगा? इसका जवाब बस एक ही है पाकिस्तानी सरकार के पास, और वो है कि चीन से मांग लो। बाप बनाया है तो बाप का फ़र्ज़ होता है कि कर्ज दे। पाकिस्तान ने चीन पाक आर्थिक गलियारे के मैन लाइन 1 प्रोजेक्ट के पैकेज 1 के निर्माण के लिए चीन से $2.7 अरब का कर्ज मांगने का निर्णय ले लिया है। पाकिस्तान इतने गंभीर अर्थ संकट से जूझ रहा है कि यह देश किसी भी दिन दिवालिया हो सकता है। ऊपर से ऊपर वाले ने कोरोना की महामारी भेज दी, जिसने पाकिस्तान की बदहाली की बाकी बची खुची कसर भी पूरी कर दी है। पाकिस्तान को चीन से यह महाकर्ज ऐसे वक्त पर मांगना पड़ रहा है जब पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था दिवालिया होने के कगार पर है और महामारी ने हालात और भी गंभीर बना दिए हैं। ये जानकारी पाकिस्तानी मीडिया से ही बाहर निकल कर आई है। पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यूट ने सरकारी अधिकारियों का उल्लेख करते हुए कहा है कि मेन लाइन एक परियोजना का वित्त पोषण देश के लिए भारी सदद बन गया है। इस वित्त पोषण समिति की छठी बैठक में सरकार को यह फैसला करना पड़ा है कि चीन से शुरुआती तौर पर पाकिस्तान 6.1 अरब डॉलर की चीनी फंडिंग में से सिर्फ $2.73 अरब के कर्ज को स्वीकृति देने का अनुरोध करेगा। कर्ज मिलने की उम्मीद तो ये है क्योंकि चीन का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चीन रोकना नहीं चाहेगा, किंतु यदि चीन कर्जा देने से इनकार करता है तो पाकिस्तान ने जो पैसा अब तक इसमें लगा दिया है वो भी पूरा डूब जाएगा। भारत के खिलाफ अपनी जन्म से पहले से दुश्मनी पाल बैठे पाकिस्तान इस फेर में अपना ही भला बुरा नहीं सोच पा रहा है। स्थिति यह है कि उसने भारत का घेरने के लिए अपने 2 द्वीपों को चीन के हवाले कर दिया है। सामरिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे इन 2 द्वीपों के हस्तांतरण पर पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने भी हस्ताक्षर कर अपनी मुहर लगा दी है। यह अलग बात है कि विपक्षी दलों को यह बात हजम नहीं हुई है और उन्होंने इमरान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के लिए इमरान सरकार ने दक्षिण कराची स्थित 2 द्वीपों को ड्रैगन को सौंपने का फैसला किया है। सामरिक दृष्टि से यह द्वीप महत्वपूर्ण है और सिंध प्रांत के लंबे समुद्र तट पर फैले हुए हैं। पाक राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने इसके लिए बाकायदा पाकिस्तान आइलैंड विकास प्राधिकरण के माध्यम से दिए गए विधेयक पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। विधेयक पे पारित होते ही सिंध और बलूचिस्तान में राजनीतिक भूचाल आ गया है। सिंध प्रांत में सत्ता सिंह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसे अवैध रूप से कब्जा करना बताया है। जियो सिंधी थिंकर्स फोरम ने कहा, हम अपनी ज़मीन को बेचने नहीं देंगे। गौरतलब है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को पाक सरकार और सेना के समर्थन के बावजूद गुलाम कश्मीर और बलूचिस्तान की जनता में व्यापक विरोध है। उनका मानना यह है कि सीधे तौर पर चीन का कब्जा है, लेकिन पाक सरकार इस मसले पर हो रहे विरोध को सख्ती से कुचलना चाहती है। मई माह में ऐसे ही कुछ संगठनों पर पाबंदी लगा दी गई थी। बलूचिस्तान की नेशनल पार्टी ने इसके खिलाफ देश भर में आंदोलन चलाने का ऐलान किया है। विरोधी नेताओं का आरोप है कि कब्जा कराने के लिए लाया गया है। यह विधेयक चीन की आर्थिक महत्वाकांक्षा को ही पूरा करेगा। इससे पाकिस्तान को कोई भला नहीं होने वाला। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वंदे मातरम। भारत माता की जय।